आपके सामने। टॉपिक हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उस चैप्टर से हम आज देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा और उसके लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, तो कम समय में फटाफट हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल के लिए और उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड 19। हमें एक यहाँ नीचे मैं दिखा रहा हूँ फॉर द ईयर 2018 एंड 19 का सेंस ये हो गया कि ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से और ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2019 को। ये हमारा करेंट ईयर है, करेंट ईयर है और इस करेंट ईयर में फ्रॉम विच सोर्सेस कैश आर कम्स इनटू एंड फॉर विच पर्पज कैश गोज आउट। किस सोर्सेस से पैसा हमारे पास पूरे साल में आया और किन किन यूजेज के लिए हमने पैसे को पे किया, तो हम यहां क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से देखते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कैश ऑन 1 अप्रैल 2018। फर्स्ट अप्रैल ये वर्डिंग आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगाना इस चैप्टर का तो एक काम जरूर करना भाई, डेट को हमेशा माइंड करिएगा, उसको वॉच करिएगा। डेट अगर गलत तरीके से आपने ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो कैश ऑन 1 अप्रैल 2018 मींस इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर हमारे पास बिगिनिंग में पहले से 9,800 रुपीज कैश अवेलेबल है। और मैं यहां पे एक चीज नोट किया हूं, ओपनिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वी हैव 9,800 रुपीज कैश, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर मीन्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग में हमारे पास 9,800 रुपीज था और वही प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग में जो था वो हमारे पास करंट ईयर के ओपनिंग में हो जाता है। तो ये कैश है हमारे पास 9,800 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और इसके अलावा हमारे पास कहां कहां से पैसे आए हैं पूरे साल में और कहां कहां हमने पेमेंट किया, तो सब्सक्रिप्शन 75,200। एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जहां से उसको मेनली पैसे रिसीव होते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन सब्सक्रिप्शन का है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है विदिन फाइनेंशियल ईयर 75,200। स्पेसिफिक डोनेशन वर्ड आ गया, स्पेसिफिक डोनेशन यानी डोनेशन रिसीव फॉर एनी स्पेशल रीजन इज नोन एज स्पेसिफिक डोनेशन, किसी विशेष कारण से। और ये डोनेशन सिंपली आपको नहीं दिया जा रहा है, जनरली कि आप कहीं भी यूज कर लो इसके लिए नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पे एक डोनेशन रिसीव किए हैं और ये जो डोनेशन हमको मिला है वो किसी विशेष काम को करने के लिए ही मिला है। अगर हम वो काम न करें तो वो डोनेशन हमसे वापस लिया जा सकता है, मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ये जनरल डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक है। तो ये हमको मिला है 16,000 रुपीज। इंटरेस्ट फीस ये भी हमको रिसीव हुआ है 8,600 रुपीज। रेंट ऑफ क्लब हॉल यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हॉल है ऑडिटोरियम है उसको इस क्लब ने किराए पे दे दिया था किसी पार्टी को और उससे इस क्लब को हॉल का रेंट मिल गया है 10,500 रुपीज। और क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 7,000 चार्जेज। अब देखो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पे करते हैं, थोड़ा सा दिमाग का भी गेम है कि क्या चीज को रियलाइज करते हैं कि रिसीप्ट हुआ है और क्या लगता है कि पेमेंट हुआ है। हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं तो ये हमारा पेमेंट है 7,000। सैलरीज एंड वेजेस, स्टाफ जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको सैलरी एंड वेजेस दिया जाता है। तो विद इन ए फाइनेंशियल ईयर
45,000 रुपीज पेड टू स्टाफ एंड सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनोरेरियम वर्ड बहुत सारे लोगों को दिमाग नहीं आता होगा, तो अच्छा है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एक कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को भी धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। ऑनोरेरियम वर्ड बना है ऑनर से, ऑनर का हिंदी वर्जन हुआ सम्मान, रेस्पेक्ट भी कहते हैं। तो कोई ऐसा इंप्लाई, कोई ऐसा पर्सन, एनी पर्सनालिटी टू होम वी पे सम मनी इन हिज फॉर हिज ऑनर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है और किसी एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आकर के वो हमारे इम्प्लाइज को ट्रेन करता है, या कुछ अच्छा लेक्चर के लिए हम उसको बुलाते हैं, थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने इम्प्लाइज के मोरल को इम्प्रूव करने के लिए किसी लेक्चर को प्लान कराते हैं, किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को बुलाते हैं जो हमारा रेगुलर इम्प्लाई नहीं है, बट हम उसको कुछ रेस्पेक्ट में जाते समय उसको एक अमाउंट गिफ्ट के रूप में, उसके जैसे कह सकते हो सैलरी के रूप में हम एक छोटा सा अमाउंट उसको रेस्पेक्ट के लिए देते हैं। यानी वो मैं रेगुलर इम्प्लाई को नहीं दे रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हमने उसको पे किया, तो इस तरह का जो पेमेंट होता है उसको हम ऑनोरेरियम कहते हैं। तो ये ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 5,000 रुपीज किसी व्यक्ति के स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशल लेक्चर के लिए, स्पेशल एक्टिविटीज के लिए जब हम उसको कोई पेमेंट करते हैं तो उसको हम ऑनोरेरियम यानी सम्मान में दिया हुआ जो धनराशि होता है उसको हम ऑनोरेरियम बोलते हैं। न्यूज़पेपर के लिए हम पे किए हैं 2,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यह है 1,000 रुपीज। ये क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी हमने क्या करा, जो बैंक में पैसे डिपॉजिट किया हुआ है, मेरा पैसा बैंक में जो डिपॉजिट है, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट मिला है, और ये इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम है, पैसे आ रहा है तो पैसा रिसीव हो गया। फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जब जाएगा तो वो हो गया 2,000 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं किया गया है, छोटे मोटे कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको हमने दिया तो है लेकिन वो अनअकाउंटेबल है, वो उसको उसके स्पेसिफिक हेड से हमने उसको शो नहीं किया, तो इनको हमने एकुमुलेट करके और एक नाम दे दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हम उसको सन्डरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये सारे को इंफॉर्मेशन दिए थे, यानी इस क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या जानना है हमको इस क्वेश्चन में, कि आफ्टर रिसीविंग एंड आफ्टर पेमेंट विद इन ए फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच कैश अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर देयर इज 9,800 रुपीज कैश बैलेंस, बट एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट दैट टाइम हाउ मच कैश इज अवेलेबल विद अस, यानी इन में हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, सामने है, हमने इस क्वेश्चन से यहां बना दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये साइड आपको बताया जाएगा, रिसीट का हो गया और ये हो गया आपका पेमेंट का साइड हो गया। तो सबसे पहला काम, अगर हमारे पास ओपनिंग में कुछ कैश होगा तो वो हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 9,800 ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो बिगनिंग में हमारे पास कैश था वो हमने यहाँ 9,800 भी रिकॉर्ड कर दिया। अगेन और कहाँ कहाँ से पैसे आए, तो सब्सक्रिप्शन से आया था 75,200, वो रिकॉर्ड हो गया। स्पेसिफिक डोनेशन मिला 16,000, रिसीव हुआ है पैसा, आ गया रिसीव साइड में। इंट्रेंस फीस के नाम पे पैसे आए 8,600 रुपीज, वो इंट्रेंस फी का हो गया। रेंट ऑफ क्लब हॉल, क्लब के हॉल को रेंट पे दिया गया तो उससे 10,500 रिसीव हुआ। यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
फ्रॉम दीज सोर्सेस वी कलेक्ट कैश एंड फॉर व्हाट पर्पज वी पे कैश टू अदर पार्टीज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने दे दिया 7,000, पेमेंट साइड में सब दिखाते जाओ, सैलरी लैंड वेजेस दे दिया, ऑनोरेरियम के नाम पे पेमेंट किया, न्यूज़पेपर का हमने बिल पे किया 2,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सॉरी यहाँ एक हमने गलती कर दिया, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया थोड़ा, ये हो गया हमारा टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनको इंटरेस्ट मिला, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो गया, कितना हो गया 1,000, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट रिसीव हुआ थे, अगला है फर्नीचर परचेज हुआ है, तो फर्नीचर परचेज किए, पैसा गया तो पेमेंट हो गया 2,000, मिसलेनियस एक्सपेंसिव हो गया 10,000, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर दीज पर्पज कैश गोज आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसा गया पूरे साल में, इन हेड्स में पैसे जा रहे हैं और पूरे साल में इन हेड्स से पैसे आए हैं फर्म में, तो अब ये देखना है कि एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच कैश इज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना होगा, अभी रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं, तो रिसिप्ट साइड का टोटल अब मैंने कैलकुलेशन रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ रिसीप्ट साइड का टोटल आएगा 121,100, ये रिसीप्ट साइड का टोटल आएगा, पेमेंट साइड का टोटल कह रफ में कर लो, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा आई थिंक 71,000, ये पेमेंट आएगा पेमेंट साइड का, तो रिसीप्ट आपको यहाँ दिख रहा है पेमेंट, यानी पूरे साल में रिसीप्ट ये हुआ, पेमेंट ये हुआ, तो बैलेंस अभी कितना है 001, ये हो गया 0, 12 माइनस 7, 5, यानी 50,100। देखो रिसीप्ट का टोटल ज्यादा है, पेमेंट का टोटल कम है, तो 50,100 रुपीज क्या दिख रहा है बैलेंस, ठीक है ना, यानी बैलेंस को कह सकते हो आप बैलेंस व्हाट कैश कब एंड ऑफ करेंट ईयर। तो अभी क्या करना है, ये जो बैलेंस है 50,100 को यहाँ हम नोट कर देंगे 50,100, और ये हो गया हमारा बाई बैलेंस सीधी कैरी डाउन, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर, यानी जो बैलेंस आ रहा है इसको हम मान लेंगे दैट इज द क्लोजिंग कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इक्वल हम यहाँ दोनों साइड में टोटल कर लेते हैं 121,100, और यही टोटल 121,100 यहाँ आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर देयर वाज 9,800 रुपीज कैश एंड नाउ एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच 50,100 रुपीज कैश अवेलेबल विद अस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बट इसमें कुछ चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों रिसीट और दोनों पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो देखना चाहते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, थोड़ा सा आइडिया आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए, स्पेसिफिक डोनेशन ये स्पेशल पर्पस से है, यानी ये होता है कैपिटल नेचर, इंट्रेंस फी ये होता है हमारा रेवेन्यू नेचर, रेंट ऑफ हाउस ये बार बार कंपनी फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे देता रहेगा, ये भी रेवेन्यू नेचर, और देखो डिपॉजिट हम वन टाइम करते हैं तो डिपॉजिट होता है कैपिटल नेचर, क्योंकि डिपॉजिट रोज रोज हम नहीं कर सकते, हर महीने डिपॉजिट करते हैं बैंक में बहुत सारा बिग अमाउंट हम डिपॉजिट कर लें इन्वेस्ट कर लें पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक बार भी डिपॉजिट करते हैं वन ईयर में तो एवरी ईयर हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रेवेन्यू नेचर का होगा। तो हमने क्या देखा कि रिसिप्ट साइड में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों का पेमेंट रिसिप्ट दिख रहा है, यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये रेवेन्यू नेचर, हर महीने हर साल ये पेमेंट हमको करना है,
सैलरी एंड वेजेस, ये भी हमारा होता है रेवेन्यू नेचर। ऑनोरेरियम ये भी होगा रेवेन्यू नेचर। न्यूज़पेपर ये भी होगा रेवेन्यू नेचर। फर्नीचर पे ध्यान दो, फर्नीचर होगा कैपिटल नेचर, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है और ये बार बार हम परचेजिंग नहीं करते हैं। तो फर्नीचर को हम यहाँ पेमेंट मानेंगे कौन से नेचर का, कैपिटल नेचर का, इसको हम एसेट के रूप में ट्रीट करेंगे। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता रहता है फर्म में और ये होता है हमारा रेवेन्यू नेचर। ये जो लास्ट में हमारे पास कैश बैलेंस बच गया है, ये कैश हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर लेते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो फाइनली हमने यहाँ देखा कि इसमें मिक्सअप है, किस बात का मिक्सअप है, तो इसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों दिख रहा है। तो अभी ये हमने यहाँ एक रिसीट एंड पेमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस करो, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।